नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मई दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच आज छठे चरण के तहत बिहार के 8 सीटों पर होंगे चुनाव। बालू घाटों पर बंदोबस्त, धारी की मृत्यु के बाद अब इन्हें मिलेगा अधिकार। कक्षा 9वीं और 10वीं के मासिक परीक्षा का जारी हुआ कार्यक्रम। बिहार के खगड़िया जिले में जॉब कैंप का हो रहा आयोजन। बिहार में प्री मॉनसून हुआ सक्रिय। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाने वाली चर्चा पर जय शाह का बयान आया सामने। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएफ रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली भर्ती। स्पोर्ट्स कोटा के तहत एनएफ रेलवे ने 24 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 24 पदों के लिए आई है। ये भर्ती लेवल 1 से 5 तक के विभिन्न पदों के लिए होंगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन वेट लिफ्टिंग, गोल्फ, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज छठे चरण के तहत बिहार की 8 सीटों पर होंगे चुनाव। आज छठे चरण के तहत बिहार की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। ये चुनाव वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, महाराजगंज, शिवहर, गोपालगंज और सिवान में होने वाले हैं। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। 60,000 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों को छठे चरण के चुनाव को लेकर तैनात किया गया है। साथ ही चुनावी ड्यूटी में 18,000 से भी अधिक गृह रक्षकों को लगाया गया है। छपरा में चुनावी हिंसा को देखते हुए महाराजगंज में सतर्कता अधिक बरती जा रही है। आपको बता दें कि छठे चरण के तहत होने वाले इस चुनाव में 86 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 78 पुरुष प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और महिला प्रत्याशियों की संख्या 8 है। जिन 8 सीटों पर मतदान होने वाले हैं वहाँ मतदाताओं की संख्या 1,49,32,165 है। बालू घाटों पर बंदोबस्त, धारी की मृत्यु के बाद इन्हें मिलेगा अधिकार। बिहार में बालू घाटों पर बंदोबस्त, धारी की मृत्यु के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी कई बार बालू घाट संचालन के लिए दावा करते हैं। इस मामले में यदि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी दावा किया जाने लगे तो विवाद की स्थिति तक बन जाती है। अब इन्हीं विवादों को देखते हुए खान और भूतत्व विभाग द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि इन विवादों को खत्म किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी बंदोबस्त धारी की मृत्यु हो जाती है तो बंदोबस्त की जिम्मेदारी उनके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। उत्तराधिकारी के साथ बची हुई अवधि के लिए नए सिरे से एग्रीमेंट किया जाएगा। क्या 14 जून तक यदि आधार कार्ड क्या 14 जून तक 10 साल पुराने आधार को नहीं करवाया है अपडेट तो हो जाएगा बंद। जिन भी लोगों को आधार कार्ड बनवाए 10 साल से अधिक हो चुके हैं उन्हें UIDAI द्वारा अपने आधार को अपडेट करवाने की बात कही जा रही है। 10 साल पुराने आधार को अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून है। ऐसे में लोगों के बीच ये चर्चा चल रही है कि यदि 14 जून तक आधार अपडेट नहीं करवाते हैं तो ये बेकार हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप 14 जून तक अपने आधार को UIDAI के पोर्टल पर जाकर अपडेट करवाते हैं तो ये आपका काम एकदम निःशुल्क में हो जाएगा। लेकिन इस समय सीमा के खत्म होने के बाद यदि आप ये काम करते हैं तो अपने आधार को अपडेट करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे कथकौली के मैदान के बारे में। ये मैदान बिहार के बक्सर में स्थित है। इसी स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच बक्सर की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जिसके कारण अब यह स्थान लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यदि आप भी किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ भ्रमण के लिए आ सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के इस दिन से होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग जून के अंत तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को पदस्थापना नए स्कूलों में करने की तैयारी कर रहा है।
स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना के लिए जून के दूसरे सप्ताह से शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। स्कूलों के रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करवाए जाएं, इसके निर्देश सभी जिलों को दिए जा चुके हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही उन्हें विशिष्ट शिक्षा का दर्जा मिल जाएगा और फिर वे सरकारी कर्मी के रूप में जाने जाएंगे। आपको बता दें कि आचार संहिता के कारण शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक लगा दिए गए थे। कक्षा 9वीं और 10वीं के मासिक परीक्षा का जारी हुआ कार्यक्रम। कक्षा 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा का कार्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दिया गया है। दोनों ही कक्षाओं की ये परीक्षा 27 मई से लेकर 29 मई तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगी, तो वहीं दूसरी पाली का आयोजन 8:30 से लेकर 10 बजे तक होगा। 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा को लेकर परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए परीक्षा जरूरी है जिससे विद्यालयों का सतत मूल्यांकन हो सके। आपको बता दें कि इस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल होना अनिवार्य होगा। जीएसटी लागू होने के बाद भी नहीं रुक रही टैक्स की चोरी। जीएसटी को लागू किया गया था ताकि कर की चोरी को रोका जा सके, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद भी कर की चोरी नहीं रुक रही है। दरअसल कर चोरी करने वाले फर्जी फर्म और कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स चोरी कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक बिहार में जीएसटी में पंजीकृत प्रति लाख फर्म और कंपनियों में 5 फर्जी है। पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो यह आंकड़ा बिहार से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि जीएसटी कर चोरी का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा पिछले साल 2 महीने का विशेष अभियान शुरू हुआ था, जिसमें पूरे देश में कुल 4,909 कारोबारी प्रतिष्ठान संदिग्ध पाए गए थे। मोइनुल हक स्टेडियम का जल्द होगा पुनर्निर्माण। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इसी साल सितंबर के महीने से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण का काम शुरू होने वाला है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने इस बात की जानकारी दी है। क्रिकेट कॉम्प्लेक्स परिसर के पुनर्निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद किए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स परिसर में सबसे उन्नत तकनीक वाला क्लब हाउस, कॉर्पोरेट बॉक्स और हॉस्पिटैलिटी लाउंज, 40,000 से 50,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था आदि की जाएगी। इसके अलावा कैंटीन और 5 स्टार जैसे सुविधाओं वाले 50 से 60 कमरे होंगे। काली पट्टी बांध कर शिक्षक के पाठक का कर रहे विरोध। 24 मई को सभी जिले के शिक्षक विरोध स्वरूप अपने बांह पर काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षक ये विरोध बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों का ये विरोध शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ किया जा रहा है। उनका कहना है कि के पाठक लगातार गलत आदेश जारी कर रहे हैं। अगर वे आदेश वापस नहीं लेते हैं तो विद्यालयों में तालाबंदी की घोषणा की जाएगी। शिक्षकों ने सीएम नीतीश को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जहां कहा गया है कि टोला सेवक, तालीमी मरकज आदि से विद्यालयों का निरीक्षण, गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल को खोलना, विद्यालयों के संचालन का समय सुबह 9 से 5 कर, अभी अधिक गर्मी के बाद भी स्कूल को सुबह 6 से 12 और मिशन दक्ष के कारण स्कूल में 1:30 बजे तक कक्षाओं का संचालन करना आदि। शिक्षक शिक्षा विभाग के इस सभी आदेशों का विरोध कर रहे हैं। बिहार के इस मॉडल में दूसरे राज्य भी दिखा रहे हैं दिलचस्पी। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल में दूसरे राज्य भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें राजस्थान, यूपी, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जो बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। अभी बिहार मौसम सेवा केंद्र को देखने तमिलनाडु के अधिकारियों का दल भी बिहार आने वाला है। इससे पहले नासा के वैज्ञानिक भी इससे प्रभावित होकर इसे देखने बिहार आए थे। आपको बता दें कि मौसम सेवा केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, जिससे एकदम सटीक जानकारी सामने आती है। बिहार के खगड़िया जिले में जॉब कैंप का हो रहा आयोजन। बिहार के खगड़िया जिले में 30 मई को जॉब कैंप लगने वाला है। इस जॉब कैंप में माइक्रो फाइनेंस कंपनी युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। इस जॉब कैंप में माइक्रो फाइनेंस कंपनी 110 पदों पर बहाली लेकर आई है। इनमें क्रेडिट ऑफिसर और क्रेडिट फील्ड ऑफिसर के पदों पर बहाली ली जाएगी। इन पदों पर बहाल होने वाले युवाओं को 17,000 से लेकर 19,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। जॉब कैंप में भाग लेने वाले युवा
जॉब कैंप में भाग लेने वाले युवा जरूरी दस्तावेजों के साथ ही आएंगे। ये जॉब कैंप खगड़िया में नियोजन कार्यालय में आयोजित हो रहा है। ये सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तेज बारिश के कारण ककोलत जलप्रपात में बढ़ा जलस्तर। नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में स्थित ककोलत जलप्रपात में जल का प्रवाह अचानक तेज हो गया है। यहां मौजूद कुंड का जलस्तर पहले से करीब 5 से 6 फुट ऊपर आ चुका है। हालांकि निर्माण कार्य के कारण यहां पर अभी प्रवेश बंद है। अचानक से आई सैलाब के कारण निर्माण कार्य के कई सामान इधर से उधर हो गए थे, लेकिन इससे किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह सैलाब बारिश के कारण आई थी। इसके कारण जलप्रपात के नजारे बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। वन विभाग के DFO संजीव रंजन ने बताया कि जून में ककोलत परिसर का उद्घाटन किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची का होगा शोध। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची पर होगा शोध। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची का अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर शोध करने वाली है। इस शोध के जरिए लीची की गुणवत्ता को इकट्ठा किए जाएंगे ताकि इसकी गुणवत्ता को समझ कर और इसकी जानकारी लेकर आसपास के जिले के किसान भी शाही लीची की खेती कर सकें। शाही लीची पर शोध की जिम्मेदारी BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने 3 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम को सौंपी गई है। इस टीम ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों के शाही लीची के नमूने को इकट्ठा किया है। अब वे इसके सैंपल को जमा करके डिटेल से इसकी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। आपको बता दें कि लीची के छिलके पर भी शोध चल रहा है। इसके छिलके से कैंसर जैसे बीमारी से लड़ने की क्षमता का पता चला है। बिहार में प्री मॉनसून हुआ सक्रिय। बिहार में प्री मॉनसून सक्रिय हो चुका है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बादल छाए देखने को मिल रहे हैं। आज प्रदेश में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान अधिकतर जगहों पर 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री की बात कही गई है। जानिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना क्यों है जरूरी। दो लोगों के बीच शादी एक बेहद ही पवित्र गठबंधन होता है। भारत में अलग अलग धर्मों के बीच शादी को लेकर अलग अलग रिवाज है। सभी अपनी परंपरा और रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं, लेकिन शादी के दौरान सभी नए जोड़ों को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना भी जरूरी है ताकि कानूनी रूप से भी नए जोड़ों को मान्यता प्राप्त हो जाए। कई बार शादी को लेकर धोखाधड़ी की खबर सामने आती है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट की मदद से इस तरह की फर्जी शादी को रोका जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट बैंक खुलवाने के समय भी शादी के सर्टिफिकेट काम आते हैं। इसके अलावा यदि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तब भी ये आपके काम आता है। औरंगाबाद में मिड डे मील का खाना खाते ही बीमार पड़े कई बच्चे। बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड कासमा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय में 70 से 80 से भी अधिक बच्चे स्कूल में मिड डे मील की वजह से बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गए और बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े हैं। बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायत देखी गई है। फिलहाल बच्चों की स्थिति सामान्य है। मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर में शराब तस्करी मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। मुंगेर में शराब तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां से पुलिस ने 3 वाहनों के साथ 88 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर पुलिस की वाहन में धक्का मारकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल रही। बता दें कि मुंगेर में ये मामला रामनगर थाना क्षेत्र पाटम का है। यहां पर पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। मामले को लेकर सदर DSP राजेश कुमार ने बताया है कि प्रथम दृष्टया में शराब झारखंड से लाया जा रहा था। पुलिस वाहन को शराब कारोबारियों के द्वारा धक्का मारते हुए क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। अब पुलिस बल इस बात की जांच में जुट गई है कि तीनों वाहन चोरी के तो नहीं है। 7वें चरण के चुनाव को लेकर आज बिहार में 3 जगहों पर PM मोदी की चुनावी सभा। आज एक बार फिर से PM मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। PM मोदी का ये दौरा
सातवें चरण के चुनाव प्रचार को लेकर है, जिसके तहत बिहार में पटना, काराकाट और बक्सर में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसमें काराकाट की लोकसभा सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है। यहां से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह है, तो वही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह चुनावी मैदान में है, जिस वजह से यह मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। पीएम मोदी काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट अपील करने वाले हैं। राजद सांसद ने पीएम मोदी पर लगाए ये आरोप। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री के लगातार बिहार आने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजभवन से अधिकारियों से बात कराई जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि व्यवस्था और सरकार दोनों बदल रही है। अगर कानून तोड़ने की कोशिश किए तो इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत प्रतिकार होगा। छठे चरण का चुनाव कल होना है और पूरे भारत के साथ साथ बिहार में बदलाव की हालत में जनता है। आईपीएल की तर्ज पर हो रहे आईपीएल का आज होगा समापन। बीते 9 दिनों से आईपीएल की तर्ज पर आईपीएल यानी इंडियन वोटर लीग का आयोजन जेपी गंगा पथ स्थित दीघा रोटरी के पास चल रहा था, लेकिन आज यानी शनिवार को इसका समापन होने वाला है। समाज के हर वर्ग ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। इस मैच का आयोजन नगर निगम की तरफ से किया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, महिलाएं, दिव्यांगजन और युवा सभी की अलग अलग टीमें बनी थी। हर दिन यहाँ मैच देखने आने वाले लोगों से मतदान करने की अपील की जाती थी। आपके मुताबिक मतदान करना कितना जरूरी है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाने वाली चर्चा पर जय शाह का बयान आया सामने। अभी कुछ दिनों से बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को भारतीय टीम के हेड कोच की भूमिका देने के लिए संपर्क किया था। इसकी खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इस चर्चा पर बीसीसीआई ने विराम लगा दिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया है कि बीसीसीआई ने किसी भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को भारतीय टीम के हेड कोच की भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया है। मालूम हो कि भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 विश्व कप 2024 के बाद समाप्त होने जा रहा है। भारतीय बोर्ड ने भारतीय टीम के नए हेड कोच के लिए आवेदन की मांग की है। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि किसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जय शाह ने कहा है कि टीम इंडिया के हेड कोच को ढूंढना एक विस्तृत और सटीक प्रक्रिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 25 मई वर्ष 1998 में यूरोपीय संघ के सदस्य देश परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सहमत हुए थे। आज के ही दिन वर्ष 1611 में मुगल शासक ने नूर जहां से निकाह किया था। आज के ही दिन वर्ष 1877 में यात्रियों से भरा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस उड़ीसा तट के पास डूब गया था। आज के ही दिन वर्ष 1886 में प्रसिद्ध वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था। आज के ही दिन भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह वर्ष 2020 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट के वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ऑनलाइन कॉलेज पाठ्यक्रम मई से शुरू होने वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस दावे को फर्जी बताया है, इसलिए इस तरह के वायरल हो रहे खबर के बिना सत्यता जाँच के यकीन करने से बचे। व्हाट्सएप जल्द रोल आउट करेगा ये नया फीचर। व्हाट्सएप अपने फीचर में समय समय पर बदलाव करते रहता है ताकि यूजर्स को इस प्लेटफॉर्म पर कई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहे। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप की डीपी को लेकर नया अपडेट आने वाला है। इस नए अपडेट के तहत एआई जनरेटेड पिक्चर का इस्तेमाल डीपी के लिए कर सकेंगे, जिससे यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिले। हालांकि इसे लेकर अभी व्हाट्सएप द्वारा आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही व्हाट्सएप इसकी जानकारी अपने यूजर्स से साझा करे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 19 मई, ऑप्शन डी 21 मई। इसका सही उत्तर है 20 मई।
हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? ऑप्शन ए है ओम बिरला, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है श्री श्री रविशंकर। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर अमेरिका। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन डी है राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विकास दास, मंटू यादव, एम कुमार, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नुनू गोलू कुमार, शिवानंद, शोभानंद ठाकुर, नवल किशोर झा, राजीव कुमार, साधना देवी, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, रामशंकर सिंह, अनवर करीम खान, भरत प्रसाद, आदित्य झा, सादुल्ला पालवी, विजय शर्मा, दिव्या सिंह, अनीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कभी मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद चखा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।